अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अरहम इफ़रा और मुस्तफ़ा तो ठीक हैं, आप लोग कैसे हैं? अच्छा फ्रेंड्स, अरहम और इफ़रा तो दूसरी गाड़ी में हैं। हम लोग आज जा रहे हैं पिकनिक पर। आज का व्लॉग जो है सोमयानी बीच पर है, तो बड़ी मुश्किल से हमारी बुकिंग हुई है वहाँ पर, तो उधर जाते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो फिर आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग म्यानी बीच पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत मज़ा आया। यहाँ का बीच तो बहुत ज़्यादा क्लीन था और यहाँ कोई भी कचरा नहीं था जैसे बाकी बीचेस में होता है। फिर हमने कपड़े चेंज किए और फिर हम स्विंग्स पे आके वापस से बैठ गए। वहाँ बहुत मज़ा आता है और उधर पानी भी बहुत साफ था। हमने पहले तो 12 o'clock से पहले हमने आगे जाके नहाया, लेकिन 12 o'clock के बाद पता है आप लोगों को क्या हुआ? उधर पानी जहाँ स्विंग्स है ना, अब वहाँ तक आ गए, क्योंकि पहले स्विंग्स का पानी पीछे था। और फिर हमने जर्दा खाया और हमने आलू गोश्त का सालन भी। उधर हमारे मम्मा बाबा लोगों ने चाय पी और उन्हें तो बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने उधर एक क्रैब को पकड़ा, रियल क्रैब, लेकिन फिर हमने उसे छोड़। फिर उधर एक बोट थी जिसपे हमने खेला और हम उसमें बैठ तो सकते नहीं थे क्योंकि उसमें मिट्टी थी, तो हमने उसके साइडों पे घूमने लग गए। बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हमने कजिन्स ने मिलके पिक्चर्स बनाई और फिर हम लोग और मुस्तफ़ा लोग उधर मिट्टी से वापस से खेलने लग गए और बाकी हमारे कजिन्स भी मिट्टी के साथ खेलने लग गए, तो उन्हें तो बहुत मज़ा आया, लेकिन मैंने नहीं खेला क्योंकि मेरा दिल नहीं जा रहा था। फिर हमने उधर मिट्टी के साथ खेला, जो होती है ना वेट मिट्टी, मड, उसके साथ खेला। उधर भी हमें बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर हम चले गए नहाने अंदर। उधर अरहम और मुस्तफ़ा और मैं, मतलब सारे कज़न बच्चे डर रहे थे क्योंकि उस पानी में रियल क्रैब्स थे और हमारे नहाने से पहले उधर रियल क्रैब्स चल रहे थे, लेकिन फिर हमने उन्हें भगा दिया था क्योंकि हम लोग को लग रहा था बहुत ज़्यादा डर। उधर पानी भी बहुत साफ था और हम और मुस्तफ़ा तो बाबा से भाग रहे थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि बाबा उन्हें ड्रोन कर देंगे, मतलब उनके गोता दे देंगे। और फिर हमें उधर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उधर बहुत साफ पानी था और उधर दोपहर के बाद बहुत बड़ी बड़ी वेव्स भी आने लग गई। हम लोग तो बहुत डर गए थे। फिर हमने उधर मिट्टी के साथ खेला और हमने उधर मिट्टी पे इमोजीज वगैरह बहुत कुछ बनाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।